मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजद के लिए मोकामा उपचुनाव अब साग का सवाल बन गई है। राजद की ओर से अनंत सिंह की पत्नी को लालटेन थमाकर राजद ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी ने उपचुनाव में मोकामा सीट पर कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। पहले इस सीट से बाहुबली अनंत सिंह विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी नीलम सिंह को टिकट दिया है। राबड़ी देवी की आवाज पर अनंत सिंह की पत्नी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई। वैसे भी मोकामा सीट से अनंत सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। पहले वो जेडीयू के टिकट पर चुने गए, उसके बाद निर्दलीय और अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिलहाल बिहार की दो विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। साथ ही इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजद के अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। एक आपराधिक मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, जिससे यह सीट खाली है। पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है। भले ही वे अभी जेल में हैं, लेकिन अभी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के लिए इस सीट जीतना बड़ी चुनौती होगी। वहीं नीतीश कुमार से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के लिए ये सीट साख की बात बन गई है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।